नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है 14 फरवरी यानी शुक्रवार को पुलवामा हमले की पहली बरसी है। इसी दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले ने देश के हर नागरिक की आंखों में आंसू ला दिए थे। इस कायराना हमले का जवाब भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक कर लिया था। भारत के हवाई हमले में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। इसमें करीब 300 आतंकी मारे गए थे। हालांकि आतंकवादियों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया था। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है पुलवामा के शहीदों को अमित शाह और राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कहा देश नहीं भूलेगा बलिदान। हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से पुलवामा के शहीदों को शत शत नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत उनके बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि एक साल पहले 14 फरवरी 2019 को दोपहर 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे से सीआरपीएफ जवानों का काफिला पुलवामा जिले से होकर गुजरा था और इसी दौरान एक 20 साल के आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार ने 350 किलो विस्फोटक से भरी एक कार सीआरपीएफ जवानों के ट्रक से टकरा दी। भीषण धमाके से घाटी गूंज उठी। मंजर बहुत ही खौफनाक और भयानक था। घायलों को अस्पताल भेजना और शव उठाना शुरू हुआ तो पता चला कि विस्फोट में जवानों के शरीर टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए हैं। ये भारत के सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े हमले में से एक था। पूरा देश गुस्से से भर गया और मोदी सरकार एक्शन में आ गई। पुलवामा के आतंकी हमले में 44 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने अपनी जान गंवाई। भारतीय सेना ने बदला लेकर बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की और 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया।